गाइस, जल्दी में मैगी एंड अबू धाबी का नया वीडियो आ चुका है जो है इम्पॉसिबल थिंग्स स्टोलन बाय इंडियन थीव्स। भाई वैसे स्ले पॉइंट ही बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, हंसी मजाक तो चलता है ना। और सच में यार, ये इंडियन थीव्स के ऊपर वीडियो बनना बहुत ज्यादा जरूरी थी। जब भी रील्स को स्क्रॉल करो, कुछ ना कुछ चोर की वीडियो मिली जाती है भाई। और बिहार में कभी ब्रिज चोरी हो जाता है, कभी पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाता है। ब्रिज कैसे चोरी होता है मुझे ये समझ नहीं आता। बट एनीवेज गाइस, चलो फटाफट से ये वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में, तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। हमारा एक प्यारा स्टेट जहाँ है इतने पहला ही बिहार दिखा दिया भाई। भाई बिहार क्या स्टेट है ना, मतलब सच में सारे बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स वहां से निकलते हैं, फिर दूसरी जगह ब्रिज गायब हो जाते हैं, फिर तीसरी जगह वहां का जो CM है कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी इधर कभी उधर, मतलब 9 बार से ज्यादा CM बन चुके नीतीश कुमार जी भाई, सच में भाई। लेकिन जो भी है भाई, वन ऑफ द बढ़िया स्टेट है, बस कुछ करप्टेड पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ही इधर उधर हो जाता है, बट है बहुत मस्त जगह। अरे लोग इतना बढ़िया खा, अबे है चटोरी चाची, ये सच में है क्या? ऐसी चिप्स 2 रुपए में मिलता है भाई? 2 रुपए में तो सुस्सू भी नहीं मिलता आजकल, ये क्या 2 रुपए में बांट रहे हैं भाई? तूने इतना बढ़िया खाना, इतना अच्छा म्यूजिक, इतनी सुंदर जगह। वाह, उसका बैग वैग सब चोरी करके लेके जा रही हो? मेरे कुछ रिश्तेदार तो वहीं रहते हैं यार, पर वहाँ के कुछ 1% लोगों के कांड। अबे उसको भी चोरी करके ले गई। हेलो, इसमें कुछ गलत नहीं है, देश की प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व कर रहे हैं। ट्रेन में बटुआ, फोन, चोरी होने की टेंशन। बिहार में कुछ चोरों ने एक ट्रेन के इंजन को ही चुरा लिया। ना चलेगी ट्रेन, ट्रेन के इंजन को? भाई अपना नासा का वो संभाल के रखो, पता चले नासा में जाके पूरा रॉकेट चुरा ले। ना होगी बटुआ चोरी, खुले में हगने की समस्या। चोरों ने रेल लाइन से 2 किलोमीटर तक पटरी चोरी कर लिया। एक्सीडेंट से रोज मरे जा रहे हो। 2 किलोमीटर तक की लंबी सड़क चोरी हो गई। बेबी मुझे वैलेंटाइंस डे पे ना आईफिल टावर देखना है, बट बिना पासपोर्ट के। यस, यहाँ यस, पूरा का पूरा जो मोबाइल टावर है चोरी हो गई। आईफिल टावर, अबे क्या भाई, फिर क्या बाप ने कबाड़ी वाले को मल्ले में बेचोगे? पता नहीं क्या है यार, दे दिया। तो भैया ये बिहार है, यहाँ कुछ मुमकिन है। दुनिया GTA खेलती है, हम GTA में रहते हैं। कल को इंडिया कहीं फाइनल मैच हार रही हो, लो पूरा स्टेडियम ही चोरी, ढूंढते रहो अब ऑस्ट्रेलिया टीम को। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। इसे गुजरने वाले लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे हैरान रह गए, उनके पैरों तले एक्चुअली जमीन खिसक गई। बाद में पता चला कि सड़क चोरी हो गई। चुरा के छुपाया किधर? हाँ। नीचे तिजोरी में क्या छुपा है? छपरा लिंक रोड चोरी करके छुपा दिए थे, अब हम टेक्निकली रास्ते पे ही सोते। रोड चोरी करके खुद के घर कौन से रोड से गए? लॉन्ग ड्राइव पे चले? नहीं बेबी, रोड ही चोरी हो गया है। नहीं मिलना तो सीधा बोलना, बहाने पर बहाने अपनी एक्स के पास ही चले जा। अरे उसके घर तक जाने का ब्रिज भी चोरी हो गया है। हेलो, चोरों ने एक 60 फीट लंबा पुल दिन दहाड़े चोरी कर लिया। नोकिया कनेक्टिंग पीपल, बिहार डिसकनेक्टिंग। चोरों ने पुल को 3 दिन में काट कर गाड़ियों में भर लिया। मेरी क्रश थी क्या जो 3 दिन में काट के चली गई? आसपास के लोगों को पता कैसे नहीं चला? 3 दिन में भाई, तेरी क्रश तो फिर भी अच्छी थी, मेरे तो घंटे के अंदर काट के चली गई थी भाई। अरे यार, अबे अबे अबे, अरे अंकल कुछ नहीं, गुप्ता जी का फर्नीचर है ना, मच्छरदानी उनकी। आंटी जी ना इसमें अदरक घिसेगी रोज चाय के लिए, आप उधर देखिए ना, मुड़ जाइए। इग्नोर इग्नोर, लोकल लोग बहुत यूजफुल गवाही देते हैं। अच्छा कौन चोरी किया है? चोरी आदमी किया है। अच्छा, हमें लगा कुत्ते ने की थी। चोरी आदमी किया है। तुम्हारे गांव में ही पुल चोरी हुआ? हाँ, चोर है इसीलिए चोरी हो गया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगा ये इन्फो। थोड़े पैर दो ना, वो CBI वालों को चूमने थे। चोर है इसीलिए चोरी हो गया। ये बकलोल है तो बकलोली कर गया। आपके मर्डर होने के बाद भी पुलिस यही बोलेगी, इसमें खून था तो इसका खून हो गया। दुखी है थोड़ा सा? थोड़ा सा दुखी है। जिस दिन चोर दुखी है, बहुत दुखी है, दुख दिखाइए हमको। इतना दुखी है, देख लीजिए, ये किसी के मैयत में भी लमाव कर दे। सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे इज नो मोर। भाई सच में ये पूनम पांडे का केस क्या था भाई, माय गॉड, इतनी गंदी, मतलब खुद के ही डेथ का मजाक, अजीब है। किसी को पड़ी है इस गांव में? ब्रिज की कटी लाश ऊपर से सब देख रही है। आ रहा है गॉन टू सून। सड़क, लोहे का पुल, मोबाइल टावर के बाद अब रातों रात तालाब चोरी हो गया है। चोर चुरा ले। अबे तालाब कैसे चोरी होगा भाई,
पानी निकलेगा, अब तालाब कैसे चोरी हो जाएगा? व्हाट, ये अलग ही दुनिया में मल्टीवर्स में रह रहे हैं क्या भाई? गए तालाब, कोई पी गया क्या ग्लूकोन डी घोल के? बिहार में चोरी मेरे मुंह पे पिंपल्स जैसे रोज नहीं दिखते हैं, रोज। ये पैक कर दो, वो पैक कर दो, ये सारे पेड़ पैक कर दो, ऑक्सीजन सिर्फ मुझे मिलेगी, पूरी ऑक्सीजन पैक कर। मेरी टीम अभी पूल की चोरी में लगी है, पानी पैक कर चुके हैं, अभी पूल भी पूरा पैक हो रहा है। गाइस जल्दी पैक करो जल्दी, हम छोटी चोरियां नहीं करते भाई, पूरा पानी ले गए। सारे कौवे पैक कर दो, सब चोरी, पूरा शौचालय पैक कर दो। उठाओ उठाओ उठाओ, अरे अंदर हूं मैं अभी भी। यहाँ नए शिफ्ट हुए? नहीं, तू कहीं और शिफ्ट हो रही है, ये पूरी बिल्डिंग पैक कर दो, ये पैक कर दो, पैक टू पैक पूरी टंकी। अरे बिल्ली को क्या पैक करना है, उठा ले भाई। पैक मनी हाइस्ट का प्रोफेसर आ गया आपसे ट्यूशन लेने। बे अरे बिगिनर स्टूडेंट आ जाते हैं ना सीखने। विलेजर्स लूट द रोड बींग मेड फॉर देम। ये आंटी गड्ढों की दीवानी थी क्या जो हटा दे रही है रोड? अभी तो बना भी नहीं भाई, टॉपिंग्स डालने से पहले क्रस्ट ही गायब कर दिए। अरे इसके लिए केक बनाने जाओ, ये चीनी ही लेके भाग जाएगी। चोरी पे इतना मोटिवेशनल म्यूजिक, तीन चार ईंट पत्थर तो मैं ही चुरा लाया ये सुन के। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या लग रहा है, ये इंसान निकाल रहे हैं हॉस्पिटल में डालने के लिए? नहीं, ये दारू की बोतल निकाल रहे फ्रिज में डालने के लिए। अबे लेकिन इतनी सारी दारू की बोतलें वो गाड़ी में कर क्या रही थी भाई? स्कैम वैम चल रहा है क्या? अगर मरे इंसान कल हम खुद ही दो पैदा कर देंगे और मुफ्त की दारू फिर थोड़ी मिलेगी। तू हॉस्पिटल को कॉल कर रहा है ना? नहीं, दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ और नाइट का सीन बिठाने। तू भी दो चार बोतल उठा ले और सुन, लाश के नीचे चेक कर कहीं चकना तो नहीं है। उठा के देख लाश, लाश उठा के देख। और इन्हें कोई मामूली नूब चोर मत समझना, घूम के ऋतिक की तरह अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चोरों ने लिपस्टिक से लिखा भाभी जी बहुत अच्छी है। क्यों? हाय हाय, भाभी पे नजर है। चोरी खुली छोड़ गई थी। पहले तो चोरों ने सेंधमारी कर 60 लाख के कैश को उड़ाया, के बाद लिपस्टिक उठाकर। ए पहले तो ईडी भेजो भाई, इनके घर में 60 लाख रुपया कैश कर क्या रहा था? ईडी भेजो उनके घर पे भाई। चोरों ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लिखा कि भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं। बर्बाद होके रस्ते पे आ गई हूँ, पर एटलीस्ट मैं अच्छी तो हूँ। भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं। ये तारीफ पढ़ के दो केस वापस ले लिया आंटी ने। पुलिस भैया 60 लाख की नहीं, आप 30 लाख की चोरी लिखिएगा। भले लोग है, पकड़े जाए ना तो उनका नंबर दे दीजिएगा। भाभी जी आप बहुत अच्छी, जबकि भैया के बारे में वे लोग आप। भाभी को लेने की आदत हो गई है अलग अलग लोगों से, शब्द लिख गए। क्यों, उनका कलेक्शन पसंद नहीं आया? छेद वाले कच्चे थे उनके तिजोरी में, या फिर जल रहे हो कि उनके पास भाभी जी है? जबकि भैया के बारे में वे लोग आप शब्द लिख गए। चोरों ने ये भी लिखा कि भाभी जी धन्यवाद, भगवान करे आप बहुत उन्नति करें, ताकि हम फिर से और ज्यादा पैसे चुरा सके। आशीर्वाद ही तो चाहती थी आंटी, बहुत उन्नति करें। चाहे चोरी के बीच दीवार पे लगी फैमिली फोटो देख के आंटी पे दिल ही आ गया। क्या हीरोइन है यार, इनके लिए तो अपना हाथ ऐसे अंदर डाल लेते, क्या हीरोइन है यार, मजा आ जाता भाई। सुपर चैट लिख देता हूँ, कांच पे मैसेज और नीचे ड्रॉअर में 100 रुपए जो उन्हीं के पति के बटुए से चुराए थे। पूरा लव लेटर भी लिखा है व्याकरण एग्जाम के फॉर्मेट में। तू कॉमा माननीय महोदय भाभी जी। चोरी कर चोरों ने दीवार पर एक कोड लिखा है। क्या? जिसमें लिखा है R2FOH। पुलिस उसे डिकोड करने में जुट गई है। वहाँ ब्रिज चोरी हुई। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई, क्या चल रहा है यार ये? अब ये कोड में खेलेंगे, रास्ते चोरी हो रहे हैं। तुम्हारे इस कच्चे बनियान चोरी के लिए पुलिस कोड सॉल्व करते बैठे। जिसमें लिखा है R2FOH। इस अंकल के लिए शैम्पू का कूपन कोड तो नहीं लिख गया चोर? घूस के तौर पे पता चला गाली लिख के गया है, पर हैंडराइटिंग इतनी वाहियात कि लोगों को सीक्रेट कोड लग रहा है। और पैसे चोरी के लिए बोरी ना बैग ना। तो एक लुटेरा अपनी पैंट में ही नोटों के बंडल को रखने लगा। हाँ भाई, तो कौन कौन पोस्ट कर रहा था कि 2024 स्मेल्स लाइक मनी। ये है स्मेल, यहाँ से आ रही है स्मेल। भाई कहाँ फिक्स डिपॉजिट कर रहा है? पुलिस यहाँ तलाशी लेने में भी शर्मा जाए। हाँ जी, इलास्टिक वाला पैजामा क्यों नहीं पहना यार? पुलिस का सायरन सुन के हल्का मत हो लेना, गई मेहनत फिर पानी में। इसकी FD ना हवलदारी तोड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक, लग्जरी कार में आए डैश, कौन आ सकता है? मिनिस्टर, सलमान का ड्राइवर, बकरी चोर। बच्चों के चोर बेचारे ओमनी ही ले पाए थे, और यहाँ बकरी चोर सीधा लग्जरी कार। यूट्यूबर के पास नो कार, चूज योर करियर वाइजली गाइस। बकरियों के बाप शायद ज्यादा फिरौती देते हैं। और ऋतिक सफेद चूना, मनी हाइस्ट, लाल जंपसूट, बिहार। रात के अंधेरे में एक चोर महिला की नाइटी पहनकर घर में घुसता है और महिला की नाइटी पहन के, अच्छा हुआ कि लॉन्जरी पहन के नहीं आया।
लिंगरी वारदात को अंजाम देता है और महिला की नाइटी पहनकर घर में घुसता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है और महिला की नाइटी पहनकर मेरे सामने बैठा है चोर। अभी मेरे पास फुल एविडेंस है, सबूत है मेरे पास, ये नाइटी पहन के घूमता है। अरे मैं अपनी नाइटी सिर्फ अपने पति के सामने पहनता हूँ, क्या तुम्हारे बॉडी पार्ट भी निकाल के ना बैंक की तिजोरी में डलवा दो, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। किसी के दोनों किडनी ही चोरी और किसी का प्रेमिका ने काट दिया प्राइवेट पार्ट काट दिया, उसका क्या करोगी दीदी? क्या वो लड़की उस लड़के को ओयो होटल में बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। ओए भाई न्यू फियर अनलॉक्ड, ओयो में प्राइवेट पार्ट काट लिया, सोचो कि तुम्हें बीजे दे दिया और तभी काट लिया भाई। ओ भाई न्यू फियर अनलॉक्ड हो गया मेरा, काट दिया का प्राइवेट पार्ट काट देती है। सुन के दर्द क्यों हो रहा है? ओयो में कटवा के बहुत लोग आए पर ऐसे नहीं। मैं सिंगल खुश हूँ भाई, मैं सिंगल खुश। थैंक्स भगवान गंदी शक्ल देने के, चिपकली की पूछ भी नहीं है कि वापस उग जाए। मम्मी अब से ये वाली लाना मार्केट से, हाँ डोरेमोन वाली बन। लेकिन बुला के प्राइवेट पार्ट काट दिया, ये क्या है? यहाँ इंजन तालाब जैसी बड़ी चीजें चोरी करो ना तो कुछ नहीं होता, पर गलती से छोटी चोरी कर ली तो मैन किल्ड फॉर स्टीलिंग गोभी, मैन किल्ड फॉर स्टीलिंग बिस्किट, मैन बीटन फॉर स्टीलिंग साइकिल। साले जाके एयरपोर्ट चुराओ, मालदीव चुराओ, साइकिल स्टैंडर्ड डाउन कर रहा है हमारी। मालदीव चुराओ, सच में भाई मालदीव को चुराओ और उसको बेच दो। इज्जत है नहीं फिर भी डाउन कर रहा है, डाउन कर रहा है। और स्टूडेंट से स्कूल चोरी कर रहे हैं। 100 नंबर का एग्जाम और स्टूडेंट को मिले 151 नंबर, ये बिहार में हुआ है। है? आप क्रोनोलॉजी समझिए, हुआ कैसे भाई? 100 का पेपर 151 पे हुआ है। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 100 में से 151 नंबर दिए गए। पेपर में 500 की नोट डाली या तालाब चोरी करके सर को गिफ्ट कर दिया। और बेस्ट चीज 151 ला के भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद छात्र को फेल भी घोषित कर दिया गया, फेल भी घोषित कर दिया गया। हाँ और मार्क्स तो ठीक है 61, 58, ये फेल कैसे हुआ फिर? फेल तो 40 के नीचे होता है ना। अबे भाई पहले ये स्कूल को वापस से पढ़ने भेजो स्कूल में। सॉरी आपको 300 लाने थे 100 में से। ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। हाँ बॉल स्टेडियम से बाहर मार दी पर अंपायर ने आउट दे दिया। 5 लोग जितने में पास हो जाए उतने में अकेला फेल हो गया भाई। एक बीकॉम के छात्र के साथ भी ऐसा हुआ, उसे एक परीक्षा में 0 नंबर मिले फिर भी प्रमोट कर दिया गया। ये बिहार है, 0 में पास, व्हाट, यहाँ कुछ मुमकिन है। रिपोर्ट कार्ड देख के क्या सोच रहा होगा वो? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। अभी किसी ने विजय मेरे पे छोड़ा है? नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। 0 नंबर मिले फिर भी प्रमोट कर दिया गया। जब आपने पेपर में लिखे तो सब गाने थे पर हनी सिंह के नहीं, जगजीत सिंह के। इम्प्रेस, 0 देके भी प्रमोट कर दिया गया। यूनिवर्सिटी फॉरगेट्स टू प्रिंट क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पोस्टपोन्ड। क्यों सर आप लोग? ओ भाई ये स्टेट को ना सच में ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। खाना खाना भी भूलते हो क्या? जो पेपर प्रिंट करना भूल गए। सर आपके माँ बाप को कल कॉलेज लेके आओ। नहीं उनसे बात करनी पड़ेगी सर। आप प्रिंट करना भूल जाओ तो एग्जाम पोस्टपोन, हम पढ़ना भूल गए तो करियर बर्बाद। शायद स्कूल का प्रिंटर चोरी हो गया होगा, पॉसिबल तो है। यूनिवर्सिटी इश्यूज एडमिट कार्ड विद बिकिनी, यहाँ थर्स्ट ट्रैप। एडमिट कार्ड बिकिनी फोटो, ये क्या ओनली फैंस का स्कूल है क्या? थर्स्ट ट्रैप तो ऐसे आ रहे 151। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड फिगर। अब कुछ लोग होते हैं ना जो अपने माँ बाप से पैसे, गुड फिगर नहीं जिसकी ज्यादा गुलम्बी और जिसका सबसे लंबा चुरा के अपने गरीब दोस्तों के नशे के नीड्स पूरे करते हैं ताकि पाप और अच्छाई बैलेंस हो जाए। वैसे ही रॉबिन हुड चोर जिसने चोरी के पैसे से सड़क बनवा दिए। हाई प्रोफाइल घरों में करोड़ों की चोरी किया करते थे। गाँव वालों की नजर में चोर इरफान की खूब इज्जत है। हमारे घर पे भी नहीं है, आज तक नहीं। इरफान के गैंग में कुल 11 लोग थे, इनमें इसकी पत्नी, दोस्त, भाई, गर्लफ्रेंड और ड्राइवर शामिल थे। ओ भाई क्या, गैंग में कुल 11 लोग थे, पत्नी, दोस्त, भाई, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड और पत्नी साथ में, भाई सच में ये लड़की लोग सिर्फ पैसों की है भाई। पैसा दो खुश रहो, 10 ले आओ साला।
बट कोई बात नहीं, यूसीसी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, और जो रहेगा लिव इन में भाई उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा मिनी शादी की तरह। जया और रेखा एक साथ, गंभीर और कोहली को सेम टीम में खिला रहा था भाई, एप्पल सैमसंग की कोलैब करा रहे हैं, मेसी रोनाल्डो हाथ में हाथ डाल, ये क्या फोटो है, छी ये दिन खराब कर दिया मेसी रोनाल्डो का स्मूच देख के। इस चोर के लिए तो मेरे में भी बहुत इज्जत है, चोर इरफान की खूब इज्जत, लेकिन गांव वालों की नजर में इरफान रॉबिन हुड इसलिए है क्योंकि इसने अपने क्षेत्र के करीब 7 गांव की सड़कों का निर्माण करवाया। वाह वाह वाह, बनवा देते हैं और वही रास्ता को चुरा भी लेता है। ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं देव मानुष। गरीब पड़ोसी की लड़की के कैंसर के ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए भी दिए। शुरू में ही कहा था ना इतने अच्छे लोग हैं, भगवान भी कंफ्यूज होंगे कि इन्हें स्वर्ग में डाले या नर्क। ये पाप इतने जल्दी धोते हैं जैसे डेटॉल से हाथ धो रहे हैं। अब बिहार के चोरों के लिए गोल्ड फॉर 2024 चोरों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल इंडिगो के 1-2 प्लेन चुरा। ये MBA चाय वाला जैसा क्यों दिख रहा है भाई? ऐसे भी वो फॉग में चलते नहीं, अंबानी का पूरा घर चुरा लो और शीशे पे लिखाओ भाभी जी बहुत अच्छी हैं और नीता भाभी, और किसी का दिमाग चुरा के पूनम पांडे को दे दो ताकि वो गेमर की तरह मर के रीस्पॉन होना बंद कर दे। और लास्ट बिहार से मेरा कोई दिल चुरा लो, कोई महिला। बिहार की लड़कियां दिल नहीं कुछ और चुराती है। नहीं क्या क्या चुराती है? नहीं 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 अच्छा हाँ काट देती है। सच में भाई ये बंदे लोग जब भी आते हैं ना मस्त कंटेंट लेके आते हैं भाई। क्या 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 मतलब ऐसे ऐसे केसेस FBI वाले CIA वाले सर खिलाने लग जाएंगे भाई, ऐसे केसेस तो हमने जिंदगी भर में नहीं देखे। एनीवेज गाइस अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बता देना, मैं हूँ आपका 1 Star किड अमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।